हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.3 का फोर्थ का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोर्थ का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। पहले स्टार्टिंग में बी पार्ट क्या है, ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस का 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल 0, ए इक्वल 1 और ए इक्वल माइनस 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको हैबिट में आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई कैसे होगा डायरेक्ट, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए को वन से मल्टीप्लाई करें तो ए, और लास्ट में क्या आया हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की जगह आपको 0 पुट करना है। जहाँ भी ए आ रहा है उसकी जगह 0 पुट करें, 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 0 प्लस का 5, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5। फिर सेकेंड क्वेश्चन में आपको ए की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना था। तो जहाँ ए आ रहा है उसकी जगह 1 पुट करें, यहाँ पर 1 पुट करें और यहाँ 1। हमें पता है कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाएं वैल्यू क्या आती है, 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, 8। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, ए की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस का 1। देखो अब अभी तक तो हमने प्लस की वैल्यू पुट करी थी, अब आ गई है यहाँ पर माइनस की वैल्यू। तो माइनस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर माइनस के ऊपर ओड पावर होती है तो माइनस का साइन आता है, और अगर इवन पावर है तो प्लस का साइन आता है। तो यहाँ हम माइनस 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ माइनस वन और प्लस का 5। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर माइनस के ऊपर इवन है तो प्लस बन जाएगा, और अगर ओड है तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो ये 3 पावर क्या होती है, ओड, इसलिए आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। 1 का क्यूब, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा, 1। माइनस के ऊपर इवन पावर है तो प्लस का साइन आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1। अब देखो इधर, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 4। तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके, इसको आप नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसकी रीडिंग करें। क्वेश्चन नंबर 5 में वापस वही ऐड करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ऐड करना है आपको। 5 का ये पार्ट क्या है, पी माइनस क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी, इन तीनों पार्ट को आपको ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। देखो पी माइनस क्यू, प्लस का साइन लगा दें, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। पी को पी से मल्टीप्लाई करें, पी को पी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, पी स्क्वायर। पी को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, पी क्यू। क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्यू स्क्वायर। क्यू को आर से मल्टीप्लाई करें, क्यू आर। आर को आर से मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर। आर को पी से मल्टीप्लाई करें, पी आर। तो अगर कोई नंबर कट सकती है तो हमें कैंसिल करेंगे, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, पावर बड़ी को पहले लिख देंगे और तो ये आंसर आ गया। केवल आपको ऐड करना ही बोल रहा था ये, केवल कि इस क्वेश्चन में केवल आपको ऐड करना है और इसमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी। अब इसका आप बी वाला क्वेश्चन देखें, बी वाला क्वेश्चन भी ऐड करने वाला है ये, इसको नोट कर लें आप।
क्वेश्चन नंबर बी देखो इसका। बी वाले क्वेश्चन में भी एड ही करना है, एड किस चीज़ को करना है देखो, 2xxz-x-y एंड 2yz-y-x, इनको प्लस करना है। अब इनके बीच में प्लस का साइन लगाएं, पहले ये प्लस देखो, 2x को z से मल्टीप्लाई करें, 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 2x2। देखो अब आपको हैबिट में आ जाना चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 2x को y से मल्टीप्लाई करें 2xy, 2y को z से मल्टीप्लाई करें 2y को y से मल्टीप्लाई करें और 2y को x से मल्टीप्लाई करें तो 2xy है। देखो हम इसको बड़ी पावर पर उतारेंगे, माइनस का 2x2, माइनस का 2y2, माइनस का 2xy और माइनस का 2xy मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 4xy और ये प्लस का 2yz और प्लस का 2xz। आप अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। अब आप क्वेश्चन नंबर इसी का सी देखें। सी वाले क्वेश्चन में आपको माइनस करना है, इसमें सी वाले क्वेश्चन में इसको माइनस करना है। देखो सी और डी क्वेश्चन दोनों माइनस के हैं और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सी और डी में से डी वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ और सी वाला क्वेश्चन आप करना। देखो सबट्रैक्ट करना है इसमें, 3a+b+c-2b a-b+c फ्रॉम 4c। ये बड़ा क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सी वाला क्वेश्चन आप खुद करना। क्वेश्चन अच्छी तरह चेक कर लें, कहीं अगर साइन में मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखो फ्रॉम के बाद वाली नंबर को हम पहले लिखते हैं, ये सबट्रैक्ट का साइन, और फ्रॉम के पहले वाली नंबर को हम बाद में लिखेंगे। 3a a+b+c-2b a-b+c। अब केवल इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, पहले हम उस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये ऐसे लिखेंगे इसको, 3a को a से मल्टीप्लाई करें 3a2, 3a को b से मल्टीप्लाई करें 3ab, 3a को प्लस c से मल्टीप्लाई करें 3ac, माइनस 2b को ab से मल्टीप्लाई करें माइनस का 2ab, माइनस 2b को माइनस b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2b2, माइनस 2b को प्लस c से मल्टीप्लाई करें तो 2bc। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 4c को माइनस a से मल्टीप्लाई करें माइनस का 4ac, 4c को b से मल्टीप्लाई करेंगे 4bc, 4c को c से मल्टीप्लाई करें 4c2। अब मैं पूरे ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हैं, ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो अंदर वाले सारे नंबर्स के साइन चेंज करके लिख दो केवल। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब आप सोल्व करें इसको। देखो पहले मैं ए स्क्वायर की पावर लिख रहे हैं, ऐसी कोई नंबर नहीं है, और फिर बी स्क्वायर वाली वैल्यू लिख रहे हैं और फिर सी स्क्वायर वाली। अब अदर को सोल्व करें, 4ac कहाँ पर है, यहाँ पर माइनस का 3ac और ये भी माइनस का 3ac है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस का 7ac, प्लस का 4bc और प्लस का 2bc तो प्लस का 6bc, माइनस का 3ab
और प्लस का 2ab, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1ab। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप इसके अच्छी तरह से साइन वाइन चेक कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।